हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सलार को लेकर काफी दिनों से न्यूज में हैं। वो हाल ही में हैदराबाद में अपनी इस अपकमिंग फिल्म के लिए पूजा सेरेमनी में पहुंचे थे, जहां सुपरस्टार प्रभास के साथ साथ रॉकिंग स्टार यश ने भी पहुंचे थे। गाइस, यहां से वायरल हुई इन दोनों सुपरस्टार की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भूचाल मचाया हुआ है। इस फिल्म को केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील ही डायरेक्ट करने वाले हैं। सलार फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में भी खास बस बना हुआ है। इस बीच सलार फिल्म को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। गाइस, रिपोर्ट्स हैं कि सुपरस्टार प्रभास अपनी इस अपकमिंग फिल्म को महज 45 दिन में ही पूरा शूट कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म की टीम को इस बारे में बताया गया तो पूरी टीम ही शॉक थी। 45 दिन में फिल्म पूरी खत्म करना टीम के लिए भी चुनौती है। लेकिन गाइस, डायरेक्टर प्रशांत नील के प्लान के मुताबिक फिल्म की पूरी शूटिंग हैदराबाद में ही सिर्फ 45 दिन में पूरी कर ली जाने वाली है। निर्देशक प्रशांत नील अभी तक अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर ही बिजी थे, मगर अब इस फिल्म के काम से पूरी तरह निकलने के बाद प्रशांत नील सलार की तैयारियों में जुट गए हैं। ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर है। गाइस, फिल्म में एक्ट्रेस के लिए दिशा पटानी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिल्म सलार को पूरा करने के बाद एक्टर प्रभास अपनी फिल्म राधेश्याम में बिजी हो जाने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो चुकी है और जनवरी एंड में इसका फाइनल शेड्यूल पूरा हो जाएगा, जबकि इसके बाद प्रभास फिल्म आदि पुरुष में भी दिखने वाले हैं। वैसे सलार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है और फैंस प्रशांत नील के डायरेक्शन को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए सभी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, कॉमेंट जरूर करें। टिल देन, फॉर मोर गुड कंटेंट कीप वॉचिंग नोवा डॉल। थैंक यू।